तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जो कि एसएससी एमटीएस का जो आंसर किया है, तो मेरा इस एमटीएस हवलदार में कितना नंबर बना है 2021 का जो वैकेंसी था। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पप्पू कुमार कनौजिया मेरा नाम हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार का जो पोस्ट आया था, इसके लिए हम लोग अप्लाई किए थे। तो ये एग्जामिनेशन 2021 जो अभी आंसर की डाला है, उसके बाद मेरा रॉ मार्क्स भी डाल दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें मेरा रॉ मार्क्स कितना बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए मेरा यहाँ पे रोल रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर है, यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं, फिर यहाँ पे मदर्स नेम या फादर्स नेम, और यहाँ पे जेंडर और डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि मेरा कौन सा सेक्शन में कितना मार्क्स बनता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। तो स्कोर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर वन, यहाँ पे देख सकते हैं टायर वन पेपर वन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश, देखिए सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश तो आता ही नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, और ख़ासकर रेलवे की तैयारी करते हैं तो कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ पे 10 या 11 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें कि मेरा पूरा काट छाट के 2 नंबर यहाँ पे बना है। तो इंग्लिश काफ़ी वीक है, यानी समझिए आता ही नहीं है इंग्लिश, वहाँ पे जो ग्रामर उरामर देता है सैनो इंटो तो आता ही नहीं काफ़ी। तो ऐसी तुक्का मारे थे 11-12 को, क्योंकि ऐसे भी रिजल्ट बनता नहीं है मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, तो इंग्लिश तो कुछ तो लेना पड़ता, तो सोचे तुक्का मार के कुछ हो जाए, लेकिन यही 2 नंबर पर लटक गया। फिर हम लोग बात करते हैं आगे मेरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काट छाट के मेरा 22.5 मार्क्स मिला है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मेरा टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग में था वो टोटल 25 अटेम्प्ट था, और यहाँ पे मेरा टोटल 23 सही हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर मेरा वहाँ पे 2 गलत हो गया था, तो जिसके कारण 0.5 नंबर कट गया था, यहाँ 22.5 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी इसमें मैथ के अंतर्गत आता है, तो मेरा मैथ टोटल कितना सही हुआ। तो टोटल मेरा मैथ भी 25 अटेम्प्ट था, और जिसमें कि मेरा टोटल 24 मैथ सही हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.25 मार्क्स काट के मेरा 23.75 मार्क्स यहाँ पे मैथ में बना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा जनरल अवेयरनेस कैसा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में मेरा 14.25 मार्क्स बना है। तो मेरा हम आपको बता दें कि जनरल अवेयरनेस में मेरा टोटल अटेम्प्ट कितना था, तो जनरल अवेयरनेस में मेरा टोटल 23 अटेम्प्ट था, तो जिसमें कि मेरा 16 या 17 मेरा सही हुआ था, और यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन गलत हो गया था, तो जो कि काट के मेरा 14.25 नंबर मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर वन रॉ मार्क्स रॉ जो स्कोर है वहाँ पे पूरा 62.5 मेरा रॉ स्कोर बना है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता है तो इसमें मेरा बढ़ के 69.29306 टोटल मार्क्स यहाँ पे मेरा बना है। तो अब हम लोग बात करते हैं, मेरा तो ये पेपर वन तो क्लियर हुआ नहीं, पेपर वन मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा इसमें सबसे अच्छा मैथ गया है, और रिजल्ट तो हुआ नहीं क्योंकि इंग्लिश एक भी नहीं आता है। तो यही रहा मेरा रेलवे का जो तैयारी करते करते सोचे एमटीएस देख के देखते हैं कैसा जाता है, तो यही रहा इंग्लिश के कारण हम लोग यहाँ पे पीछे आ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।